व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आइए वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज का लेक्चर बड़ा ही शानदार रहने वाला है। आखिर शानदार क्यों रहने वाला है? क्योंकि एक तो आप लोगों को नेक्स्ट यहां पर लेक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसके साथ साथ में आप लोगों को यहां पर रिविजन भी देखने को मिलेगा। यहां पर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हम लोग रिविजन भी करेंगे, ठीक है। साथ साथ में कंपेयर करके आप लोगों को दिखाऊंगा, जिससे कि आप लोग दोनों को कनेक्ट कर सकें और पैरेलल में दोनों को समझ सकें। डिफरेंस नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोग फॉलो करके चलते हैं, ऊपर पार्लियामेंट्री सिस्टम निकल के आता है हमारी कंट्री में। जिस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा नजर आती है आप लोगों को, ऐसे ही आप लोगों को स्टेट पर भी यही सिमिलर सिस्टम नजर आता है। यहाँ पर आप लोगों को लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल नजर आती है। तो उसमें यहाँ पर जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, हम लोग उस पर फोकस करने वाले हैं, बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर में। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस करने को मिलेगा, और आप लोग यहाँ पर एक कनेक्टिंग लिंक भी आप लोग कर पाएंगे कि प्रेसिडेंट के साथ में जिस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर का है, इस तरीके से गवर्नर का क्या रिलेशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट के साथ में। तो वो भी आप लोग यहाँ पर कंपेयर देखने को मिलेगा। तो काफी शानदार हम लोग का डिस्कशन रहने वाला है। आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। आप लोग इसको मंत्रिमंडल भी बोल देते हैं नॉर्मली, तो मंत्रिमंडल हिंदी में इसको बोलते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप लोगों को नॉर्मली इंग्लिश में इसको देखने को मिलेगा। शॉर्ट फॉर्म में इसको COM भी बोला जाता है कई बार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये भी वर्ड कई बार बोल दिया जाता है। तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए। हमारी कंट्री में एक आप लोगों को देखने को मिलेगा एक फेडरल सिस्टम है। जिस तरीके का सिस्टम आप लोगों को सेंटर में नजर आता है, उसी तरीके का पैटर्न आप लोगों को स्टेट में नजर आएगा। अलग अलग स्टेट है, 29 स्टेट है, तो सब स्टेट्स में आप लोगों को एक इसी तरीके का पैटर्न नजर आएगा। हाँ, एक थोड़ा डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल आप लोगों को नहीं नजर आएगी, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली आप लोगों को हर एक स्टेट में नजर आएगी, ओके। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है, दो यूनियन टेरिटरी, दिल्ली और पौंडीचेरी, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी आप लोगों को लेजिस्लेटिव असेंबली नजर आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कंट्री का आप मोटा मोटा अगर आप लोग देखेंगे, तो जो पैटर्न हम लोग सेंटर पे फॉलो करके चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न हम लोग स्टेट पे फॉलो करके चल रहे हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम आप लोग बोल सकते हैं, जो हम लोग सेंटर पे फॉलो करके चल रहे हैं, उसी तरीके का यूनियन का पैटर्न आप लोगों को स्टेट में नजर आएगा, ठीक है। तो पहले तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, मतलब जो हम लोग सेंटर पे कर रहे हैं वही हम लोग स्टेट पे कर रहे हैं, बट यहां पर जो है वो उसका स्केल आप लोगों को विद इन द स्टेट की बाउंड्री में देखेगा। मतलब अगर कोई स्टेट की यहां पर बात की जा रही है राजस्थान की, तो उसकी जो पावर रहेगी वो यहां पर राजस्थान में ही रहेगी, ठीक है। मान लीजिए अगर सेंटर का कोई मिनिस्टर है, सेंटर का अगर कोई मिनिस्टर है किसी भी फील्ड में, मान लीजिए सेंटर का आप लोग देखते हैं डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, तो उसका जो एरिया रहता है वो ऑल ओवर इंडिया में रहेगा, यहां पर जहां जहां पर भी उसके एरिया की बात की जाएगी। पर लेकिन जब स्टेट की बात आती है, अगर स्टेट का कोई आप लोगों को देखने को मिलेगा मिनिस्टर है, तो उसका जो एरिया रहेगा वो ओनली उस स्टेट की बाउंड्री के अंदर ही रहेगा, उससे बाहर वो नहीं रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देखते हैं, अगर यूपी का है तो आप लोगों को यहां पर यूपी के अंदर ही नजर आएगा, वो इससे बाहर नहीं जा पाएगा कहीं पे। पर लेकिन सेंटर का जो रहता है वो लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने का मिलेगा हमारी पूरी कंट्री के एरिया पे, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, आप लोग यहां पर इस थोड़े डिफरेंस को माइंड में रखिएगा आगे बढ़ने से पहले। जिस तरीके से सेंटर में सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं, उसी तरीके से स्टेट में सारे काम आप लोगों को नजर आएंगे गवर्नर के नाम पर होते हैं, ठीक है। नाम पर गवर्नर के होते हैं, पर जो रियल अथॉरिटी होती है वो आप लोगों को नजर आएगा यहाँ पर, जो एग्जीक्यूटिव होती है वो रियल आप लोगों को ये नजर आएगी, ठीक है, जिसको हम चुनकर भेजते हैं। और यहाँ पर एक डिफरेंस में और आप लोगों को बता देता हूँ, कई सारे कंफ्यूजन रहते हैं। एक तरफ तो है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, संसद। दूसरी तरफ है आप लोग इस देखने को मिलेगा स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर आप लोग यहां पर देखेगा, इनके सबके नाम आप लोगों में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश यहां पर करता हूं। तो जब बात आती है स्टेट लेजिस्लेचर की, तो इसको देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं राज्य विधायिका, ठीक है, इसको राज्य विधायिका बोलते हैं, इसको संसद बोलते हैं। तो पहला तो आप लोग नाम देख सकते हैं यहां पर, इसको बोलेंगे यहां पर राज्य विधायिका और इसको बोलेंगे यहां पर संसद, ठीक है। एक तो ये नाम आप लोग याद रखिए, कई बार आप लोगों के माइंड में कंफ्यूज रहता है, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर, इसको बोलेंगे संसद हिंदी में, इसको बोलेंगे राज्य विधायिका। यहां पर भी दो हाउस होते हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक को बोलते हैं लोकसभा और दूसरे को बोलते हैं राज्यसभा। इसी तरीके से आप लोगों को दो हाउस यहां पर नजर आएंगे, एक को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और एक को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। और अगर बात करूं इनका हिंदी नाम, अभी आप लोगों को पता होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली को जो बोलते हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको हम लोग, मतलब दोनों के ऐसे ही नाम है, जिस तरीके से आप हिंदी में देख सकते हैं, इसको बोलते हैं लोकसभा, इसको बोलते हैं राज्यसभा, इसको अपर हाउस बोल देते हैं और इसको लोअर हाउस बोल देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों के नाम यहां पर ऊपर जो है, यहां पर जो स्टेट में वहां पर भी ये नाम इसी पैटर्न पे है। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसको यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं विधानसभा, जी हाँ, इसको विधानसभा बोलते हैं और इसको विधान परिषद बोलते हैं। विधानसभा, ये हो गया विधानसभा और ये हो गया विधान परिषद,
इनके नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे आप लोग जो मेंबर भेजते हैं उनको बोलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जो असेंबली में जाएंगे, और जो काउंसिल में जाएंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। वैसे इनको आप लोग सांसद बोल सकते हैं, वो वैसे इनको आप लोग विधायक बोल सकते हैं, ठीक है। और जो संसद में हम लोग भेजेंगे इनको बोलेंगे हम लोग एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मोटे मोटे तौर पर आप लोग इनको क्या बोल सकते हैं, इनको आप लोग बोलते हैं सांसद, इनको विधायक बोलते हैं और इनको सांसद बोलते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है मोटा मोटा, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है इसको लेकर। अगर बात करूं यहां पर संविधान के बारे में, हमारे संविधान में ज्यादा डिटेल में इनके फंक्शन के बारे में नहीं बताया गया। आप लोगों को देखने को मिला जिस तरीके से रूल बुक होती है पार्लियामेंट में, इसी तरीके से आप लोगों को यहां पर स्टेट में भी नजर आएगी। तो ज्यादा डिटेल में यहां पर नहीं बताया गया इन सब चीजों के बारे में, खुद से इन्होंने अपना एक मोटा मोटा यहां पर एक खाका तैयार करके दे दिया है। उसके बाद आगे जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो यहां पर जो डिटेल एक्सप्लेनेशन यहां पर देखने को मिलेगा वो इनके द्वारा खुद बनाए गए हैं यहां पर, क्योंकि इनके ऊपर छोड़ दिया गया है जो हमारे यहाँ पर मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के, कि आप लोग खुद से सोचिए कि जिस तरीके का हमारी कंट्री का हमारी सोसाइटी रहेगी उसी तरीके से आप लोगों को पैटर्न बनाकर वहां पर रूल और रेगुलेशन बनाने हैं, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 में, जो कि एक्सप्लेन किया गया पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। तो दो आर्टिकल यहां पर नजर आते हैं। आर्टिकल 163 की अगर बात करें तो यहां पर जो यहां पर स्टेटस होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बारे में इसके बारे में जिक्र किया जाता है। और 164 जो डील करेगा यहां पर अपॉइंटमेंट क्या है, टेन्योर क्या है, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन क्या क्या, उनकी सैलरी अलाउंसेस क्या क्या होती है, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेगा, ओके। तो ये थोड़ा आइडिया आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दोनों पूछे जा सकते हैं। आइए अब थोड़ा और नजर डालते हैं डिटेल में, डिटेल में थोड़ा आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 163, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस लिए होती है, तो सबसे पहले तो देखिए हमारे यहां पर जिस तरीके से पार्लियामेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस टाइम पर हम लोगों ने देखा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रहती है वो एड एंड एडवाइस देने के लिए रहती है प्रेसिडेंट को, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट के नाम पर काम होते हैं, एडवाइस इनके द्वारा की जाती है, एक्चुअल में जो रियलिटी में वर्क करती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है। इसी तरीके से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट की होती है वो एडवाइस करती है गवर्नर को, ठीक है, पर गवर्नर को जहां पर एडवाइस की जाती है आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये एडवाइस आप लोगों को ऐसी देखने को मिलेगी, इस एडवाइस को किसी भी कोर्ट में ले जाकर नहीं बोल सकते हम लोग, मतलब इस एडवाइस को यहां पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अदर प्रोविजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर को जो अपॉइंट करता है वो गवर्नर अपॉइंट करता है, पर जब मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने की बात आती है वो आप लोगों को यहां पर नजर आएगा वो कौन करेगा, वो यहां पर गवर्नर अपॉइंट करेगा, पर कौन एडवाइस देगा यहां पर, चीफ मिनिस्टर एडवाइस देगा। तो चीफ मिनिस्टर यहां पर आप लोग बैकग्राउंड में होलसेल अथॉरिटी नजर आएगा, जिसको वो बोलेगा उसी को गवर्नर को यहां पर मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है, ओके। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद रख सकते हैं, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि 2003 में आया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो टोटल यहाँ पर स्ट्रेंथ है उनकी 15% यहाँ पर नजर आएगी, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, और मिनिमम यहाँ पर 12 तो मिनिमम होने ही होने चाहिए, ठीक है, 15% होना चाहिए टोटल आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो टोटल यहाँ पर आप लोगों को जो मिनिस्टर नजर आएंगे, तो यहाँ पर उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगी कितनी, 15। कहने का मतलब यह है कि जो टोटल स्ट्रेंथ आप लोगों को यहाँ पर असेंबली की नजर आएगी उसके 15% ही होना चाहिए, यानी कि जितने यहाँ पर जीत कर आ रहे हैं सभी को मिनिस्टर बना रखा है, दुनिया भर के तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे पार्ट में मिनिस्ट्री बना दी, तो ऐसा नहीं करना है। तो कम से कम एक एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से चल सके, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा जितना छोटा यहाँ पर एक सिस्टम होगा उतना ही अच्छे से डिसीजन मेकिंग रहेगी, अगर ज्यादा पार्ट में डिवाइड होगा तो डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए आप लोगों को प्रोविजन यहाँ पर रखा गया, जो स्ट्रेंथ असेंबली की होती है उसका 15% यहाँ पर मिनिस्टर होने चाहिए आप लोगों को ये नजर आएगा, और मिनिमम 12 तो होने ही होने चाहिए, क्योंकि इतना भी कम नहीं है कि पता चला खत्म करके बस सारी चीजें उसके जो चीफ मिनिस्टर है उसने अपने पास ही रख ली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 166 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, 166 के तहत आप लोगों जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है उसका बिजनेस कंडक्ट करने की जो बात आएगी तो यहाँ पर 166 के तहत निकल कर आएगी। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये बात की जा रही है ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर, किस तरीके से यहाँ पर देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के और यहाँ पर जो बात आती है गवर्नर के बीच में कनेक्टिंग लिंक माना जाता है चीफ मिनिस्टर को, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से प्रेसिडेंट के और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में कनेक्टिंग लिंक माना जाता है प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि जो भी बात होती है यहाँ पर प्रेसिडेंट के नाम पर होती है और यहाँ पर गवर्नर के नाम पर होती है, तो प्रेसिडेंट की यहाँ पर टाइम आती है प्राइम मिनिस्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और यहाँ पर सीएम की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नर को इन्फॉर्म करने की और यहाँ पर प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करने की। तो जो उनकी ड्यूटीज होती है वो इस तरीके से होती है कि कम से कम बता चलता रहे प्रेसिडेंट को कि चल क्या रहा है, उनके नाम पर क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम उनको पता होना चाहिए, यानी कि उनके नाम का गलत यूज किया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा राइट्स ऑफ द मिनिस्ट्री रेस्पेक्टिव हाउस, उनके रेस्पेक्टिव हाउस में क्या क्या राइट्स हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर कोई मिनिस्टर बन जाता है वो देखिए दोनों हाउस में जाके बोल सकता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में बोल सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में बोल सकता है, ये आप लोगों को देखने को मिला था पार्लियामेंट जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे।
कोई भी मिनिस्टर अगर है वो लोकसभा में भी बोल सकते हैं और राज्यसभा में बोल सकते हैं, पर लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर एक उठ के आता है जिससे बार बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन, पर लेकिन जो वोटिंग राइट होता है वो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, अपने हाउस में दे सकता है बस वोट। अगर लोकसभा से बिलोंग करता है तो लोकसभा में वोट दे सकता है, और लोग और राज्यसभा से बिलोंग करता है तो राज्यसभा में वोट दे सकता है। इसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात आती है, बोल तो दोनों हाउस में सकता है पर लेकिन वोट कहां पे देगा, वोट अपने हाउस में ही जाकर देगा। ओके, ये बात आप लोग यहां पर याद रखिएगा, इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात आती है अपॉइंटमेंट की, जो मैंने आप लोगों को अभी बताई, अपॉइंटमेंट करेगा चीफ मिनिस्टर का कौन, गवर्नर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार, ठीक है। और दूसरों का कौन करेगा, यहाँ पर जो मिनिस्टर्स होंगे उनका यहाँ पे गवर्नर ही करेगा पर एडवाइस चीफ मिनिस्टर देगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं ओनली पर्सन उसको जिसको चीफ मिनिस्टर यहाँ पर रिकमेंड करे, मतलब गवर्नर की खुद ऑथोरिटी नहीं है यहाँ पर कि वो जिसको चाहे यहाँ पर आकर मिनिस्टर बना दे। इसके अलावा कुछ स्टेट ऐसे हैं हमारी कंट्री में जहां पर आप लोगों को नजर आएगा जो ट्राइबल लोग होते हैं, आदिवासी जो लोग होते हैं उनकी संख्या काफी है, जैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है। ये देखने को मिलेगा यहाँ पर जिनमें आप लोग देखेंगे कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर नजर आएगा। ओरिजिनली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा नजर आते थे यहाँ पर, ठीक है। पर 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया उसके तहत 2006 में बिहार को यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। यहाँ पर बोला गया बिहार को कि यहाँ पर कोई शेड्यूल एरिया बिहार में नहीं है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। अगर आप लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है, खासकर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में। सेंटर के लेवल पर शायद इस क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पर लेकिन स्टेट लेवल पर आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। पर लेकिन सेम अमेंडमेंट यहां पर एक्सटेंड कर दिया गया था छत्तीसगढ़ और झारखंड में, ये भी बात आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो प्रोविजन है वो न्यूली फॉर्म स्टेट बन के आए थे ना, यहां पर आप लोगों को नजर, आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को देखिए एक बात पता होना चाहिए, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर पूरा लेक्चर समझाया था, जब मैंने आप लोगों को बताया था जब हमारा कंट्री आजाद हुई उस टाइम पर 14 स्टेट थे, 14 स्टेट से 29 स्टेट का जो आप लोगों को सफर देखने को मिला है वो पूरे के ऊपर मैं एक लेक्चर ले चुका हूँ, जाकर आप लोग सर्च कीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, उस लेक्चर को आप लोग जाके देखिएगा, आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। फिर से बोल रहा हूँ, रिविजन करते रहिए तो चीजें समझ में आएंगी, चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से हम लोगों ने पार्लियामेंट में डिस्कस किया था, अगर कोई पर्सन ना तो लोकसभा में ना राज्यसभा में इलेक्ट होकर आया है, ना लेजिस्लेटिव असेंबली में ना लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट हो गया है, तो उस मेंबर को किस तरीके से अगर चाहे तो मिनिस्टर बनाया जा सकता है, क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। जी हाँ, उस पर्सन को मिनिस्टर बनाया जा सकता है पर लेकिन 6 महीने के लिए, मतलब 6 महीने की दादागिरी बस उसकी रहेगी। 6 महीने के अंदर अंदर या तो उसको इलेक्ट करके लेके आओ किसी भी हाउस से, या उसको नॉमिनेट करो किसी भी हाउस से। अगर इन दोनों में से कोई काम नहीं कर पाते हैं तो उसको अपनी चेयर, अपनी कुर्सी उसको छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, मतलब उसको विद इन 6 मंथ किसी भी हाउस से अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि या तो नॉमिनेटेड होकर आए यहां तक, हाउस तक पहुंचे, या फिर इलेक्ट होकर आए, तब तक ही वो मिनिस्टर रह सकता है, वरना वो मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया जाएगा। और ये बात मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो मिनिस्टर हाउस में, अगर कोई मिनिस्टर बन जाता है तो वो दोनों हाउस में बोल सकता है, ठीक है ना, दोनों हाउस की प्रोसीडिंग में यहाँ पर जाकर पार्ट ले सकता है, पर लेकिन जो वोटिंग राइट होगा वो ओनली अपने हाउस में जाकर देगा जिस हाउस का वो मेंबर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है इससे आराम से, और पास्ट में बन भी चुका है, तो ये भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पे पूछ लेंगे डायरेक्ट कि इस तरीके से है कि दोनों हाउस में जाकर प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, दोनों हाउस में जाकर वोटिंग डाल सकता है, स्टेटमेंट बना के जरा सी देर में क्वेश्चन बन जाएगा, अगर क्लैरिटी रहेगी तो करके ले जाएंगे, वरना आप लोग वहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया कीजिए, स्टेटमेंट को शांति में पढ़ने की कोशिश किया कीजिए, उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट किया कीजिए। बाकी ये चीजें वैसी हैं जैसे हम लोगों ने पार्लियामेंट में डिस्कस की थी कि फेथ रखना है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इंटीग्रिटी बना के रखनी है, ड्यूटी को अच्छे से डिस्चार्ज करना है, किसी का भी फेवर नहीं करना है, बिल्कुल अपनी ड्यूटी को अच्छे से करना है, अपनी जान, जी और जान लगाकर यहाँ पर संविधान की रक्षा करनी है, और जो लॉ बनाए गए हैं उनको फॉलो करके चलना है, तो वही सारी बातें हैं, ठीक है। सैलरी के बारे में अगर हम लोग जिक्र करेंगे यहाँ पर, तो आप लोगों को देखने को मिलेगी अलाउंसेज जो यहाँ पर दिए जाते हैं वो यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा, टाइम टू टाइम स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। कुछ दिनों पहले आप लोगों को देखने को मिला था दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो थी उसने क्या किया था, अपनी जो उनके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे उनकी सैलरी बढ़ाई गई थी। कई बार कई सारे स्टेट से ऐसी बात निकल कर आती है कि अपने मेंबर्स की सैलरी बढ़ा रहे हैं, तो सैलरी किसके हाथ में होती है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के हाथ में आप लोगों को नजर आएगी यहां पर लेजिस्लेचर के, ठीक है। तो इसीलिए वो उसको बढ़ा देती है, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो ये बात आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकती है क्वेश्चन बने तो। सेकंड आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन निकल के आता है यहां पर, जब बात आती है काउंसिल ऑफ, ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी की,
कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी और नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पास्ट में भी। कलेक्टिवली जब रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 164 के तहत भी बात की जाती है कि कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल। जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट में आप लोगों को नजर आएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जब बात करते हैं तो वहां पर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल लोकसभा के लिए होती है, ठीक है, लोकसभा, और यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल नजर आएगी। बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था वही पैटर्न हम लोग यहाँ पर फॉलो करके चल रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि जब यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पता चला उसने रिजाइन कर दिया फिर भी सब बैठे हुए, नहीं, तैरेंगे तो एक साथ और डूबेंगे तो एक साथ, तो पूरी टीम यहाँ पर रहती है। अगर यहाँ पर पता चला नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है तो ऐसा नहीं कि कुछ मिनिस्टर यहीं पर रह जाएंगे, नहीं, सबको ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं, मतलब अगर एक बार कॉन्फिडेंस यहाँ पर लूज कर दिया और यहाँ पर उतनी पावर नहीं है किसी चीज को पास कराने की तो कहानी खत्म हो जाती है। और उस टाइम पर गवर्नर जो रहेगा वो इनकी एडवाइस पर काम नहीं करेगा, एड एंड एडवाइस पर काम नहीं करेगा उस टाइम पर गवर्नर, जब ये कॉन्फिडेंस अपना खो चुके होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बन चुका है, ठीक है। ये तब तक ही यहाँ पर इनकी एड एंड एडवाइस से काम करेगा जब तक ये यहाँ पर पावर में है, जब तक इनका यहाँ पर कॉन्फिडेंस है, जब तक ये फुल सपोर्ट में है एक दूसरे की। जैसे यहाँ पर कहानी खत्म हुई इनकी, जैसे इनका कॉन्फिडेंस टूटा, जैसे ये किसी बिल को पास नहीं करा पा रहे हैं, वैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगी। अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर ये पास हो जाती है चीजें, मतलब पता चला यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसी टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इनको रिजाइन करना पड़ेगा और गवर्नर वहां पर लायबल नहीं होता है कि वो इनकी बात माने उस टाइम पर, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब एक और होता है यहाँ पर कि देखिए जब यहाँ पर बात आती है कैबिनेट की, अगर कोई डिसीजन ले जाता है तो सारे एक साथ में है, ये डिफर नहीं करेंगे। वैसे इंडिविजुअल डिफर कर सकते हैं, अगर इंडिविजुअल कोई डिफरेंस है तो आकर रिजिग्नेशन दे सकता है, वो चल जाएगा, पर लेकिन कलेक्टिवली आप लोगों को सारी बातें मानकर चलनी पड़ेगी। इसी तरीके से जब बात करते हैं इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी की तो आर्टिकल 164 के तहत आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल ये किसके रहेंगे, गवर्नर के रहेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नर की यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ऑफिस में किसके प्लीजर से रहते हैं, गवर्नर के प्लीजर से रहते हैं। उसी तरीके से जब सेंटर की बात आती है तो प्रेसिडेंट के प्लीजर से रहते हैं। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जब इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो वहां पर प्रेसिडेंट और यहाँ पर गवर्नर के इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल ये नजर आएंगे। गवर्नर क्या करेगा, रिमूव कर सकता है मिनिस्टर को, ओनली एडवाइस देगा अगर चीफ मिनिस्टर, ठीक है। चीफ मिनिस्टर पूछ सकता है उनसे एडवाइस, उनसे रिजिग्नेशन देने के लिए, अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो गवर्नर को एडवाइस करेगा कि इनको डिसमिस कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके की यहाँ पर आप लोगों को एक प्रोविजन नजर आएगा। तो चीफ मिनिस्टर जो रहेगा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसको लगेगा यहाँ पर एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी बना के रखने की भी कहीं ना कहीं ड्यूटी उसके सामने नजर आएगी। पर लेकिन जब यहाँ पर एडवाइस दी जाती है गवर्नर को किसी मिनिस्टर के द्वारा, या आप लोगों को देखेगा चीफ मिनिस्टर के द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, तो उसको लेकर कोई कोर्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। पता चला कोर्ट में लिए बैठे हैं तो चल चुका फिर तो प्रशासन, फिर तो कोर्ट में ही बैठे रहेंगे, कोर्ट में ही चीजें चलेंगी, फिर तो वैसे प्रशासन चलेगा ही नहीं, तो कोर्ट में थोड़ी ना जाएंगे हर एक बात को लेकर। तो ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जरा सी बात हुई और कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट में ऐसे नहीं जाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि इस तरीके की बातें कई बार पूछ ली जाती है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कैबिनेट की। कैबिनेट को मंत्रिमंडल बोलते हैं, ये छोटे वाला मंत्रिमंडल होता है, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए ज्वाइंट फैमिली रह रही है, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली सबसे ऊपर हो गए, जो मान लीजिए बाबा, हमारे जो बाबा जी होते हैं ना, ग्रैंडफादर, मान लीजिए दो भाई हैं वो, ठीक है, दो भाई हैं, इनके दो दो बच्चे हैं नीचे, ठीक है, इस तरीके से, फिर इनके भी बच्चे हो गए, ओके, इस तरीके से इनके भी बच्चे हो गए वगैरह सब मिलके। तो अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा, मान लीजिए ये सारे आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे, ये सारे अगर नीचे वाले आप लोग मान लेते हैं, ये सारे आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये सारे मिलके क्या हो गए यहाँ पर, ये सारे आप लोग यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नजर आएगी, ठीक है। पर लेकिन जब बात आती है कैबिनेट की तो कैबिनेट में आप लोगों को नजर आएंगे कि जो कैबिनेट में जो टॉप मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब यहाँ पर सारी जनता नहीं आएगी, यहाँ पर या तो बेटे आ जाएंगे, दोनों के दो दो बेटे और एक ही हो जाएगा, टोटल मिलाकर छह मेंबर यहाँ पर रहेंगे जो असली डिसीजन लेने वाले होंगे, मतलब जो मेन डिसीजन हो जाएगा वो इनके द्वारा लिया जाएगा, यानी कि पूरी जनता पार्टी मिलकर यहाँ पर डिसीजन ले रही है, ओके। तो ये बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये सारी जनता आ जाएगी, पर लेकिन जब कैबिनेट की बात आएगी तो वहां पर एक आप लोग वो बोल सकते हैं कि जूस निकाल लिया गया है, मतलब असली डिसीजन ये लेंगे, तो इस तो छोटी बॉडी होगी अगर कैबिनेट आप लोग देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंपेयर में, और यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होगी, असली अथॉरिटी आप लोगों को यही नजर आएगी, सारे हाईएस्ट लेवल के जो डिसीजन होंगे यहाँ पर इनके द्वारा लिए जाएंगे, पॉलिसी से रिलेटेड जो भी मैटर होंगे, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ये नजर आएगी, कोऑर्डिनेट किस तरीके से बनाना है स्टेट्स के बीच में वो दिखेगा, एडवाइस किस तरीके से गवर्नर को करना है ये दिखेगा, कोई क्राइसिस आ गया किस तरीके से मैनेज करना है पता चलेगा, डील करना है लेजिस्लेटिव या फाइनेंशियल मैटर को तो ये नजर आएंगे, कंट्रोल करना है हायर अपॉइंटमेंट की लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी या कोई भी सीनियर सेक्रेटरीएट की एडमिनिस्ट्रेटर की तो तब ये नजर आएगी। तो मेन जो डिसीजन आप लोग लेते हुए नजर आएंगे वो ये नजर आएंगे, और मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर ले रखा है कैबिनेट वर्सेस काउंसिल, वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, डिटेल में डिस्कस किया है मैंने क्या क्या डिफरेंस आप लोग यहां पर नजर आते हैं, तो वो लेक्चर देखेंगे तो आप लोग और चीजों को ढंग से कनेक्ट कर पाएंगे।
नेक्स्ट बात करते हैं कैबिनेट कमेटी। कैबिनेट कमेटी तो इतने लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किए कि कई सारे स्टूडेंट नीचे कमेंट करने लगे कि सर बस कीजिए अब बहुत हो गया। तो इतने डिटेल में मैंने सारी कमिटीज आप लोगों यहाँ पर पढ़ाई है। वैसे मोटा मोटा बता देता हूँ, दो तरीके की कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है और एडहॉक कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी आप लोगों को नजर आएगी, परमानेंट कमेटी होती है, अलग अलग मैटर्स देखती है और बनाई इसलिए जाती है ताकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट पर ज्यादा बोझ ना पड़े, ठीक है, मैटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और उन पर एक रिसर्च की जा सके। क्योंकि अगर कोई लॉ बन के आता है, पहले बिल होता है फिर एक्ट बन के इंप्लीमेंट किया जाता है, तो एक्ट बनने का जो प्रोसीजर रहता है उसे पहले ढंग से चेक कर लिया जाए कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। क्योंकि अगर कोई गड़बड़ लॉ बन के आ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ढंग से कोई मैटर को हर एक तरीके से उसको देखा जाए, इसी तरीके से स्टैंडिंग कमेटी यहां पर काम करती हुई नजर आती है। एडहॉक कमेटी क्या होती है? ये होती है टेम्परेरी नेचर की, ठीक है, किसी पर्टिकुलर अगर कोई जरूरत पड़ गई तो इसको बना दिया जाता है वरना इसको खत्म कर दिया जाता है। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सारी कमेटी मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। मतलब मुझे बहुत हंसी आई उस टाइम पर जब एक स्टूडेंट ने बोला कि सर बस कीजिए इतना नहीं पढ़ाया करते। मैंने कहा ये देखिए कोई कहता है कि सर और पढ़ा दीजिए, मतलब बहुत ज्यादा हो गया था डिटेल में, क्योंकि वो रटने वाली थोड़ी ज्यादा ऐसी चीजें हो गई थी वहां पर। मतलब वो नहीं होता कि कमेटी पे कमेटी आ रहे हैं, नाम पे नाम आ रहे हैं, इसके अंदर इतने मेंबर है, उसके इतने मेंबर है, तो थोड़ा सा माइंड ना एग्जॉस्ट होने लगता है। उस टाइम पर मैंने आप लोगों को बताया भी था, तो मोटा मोटा आप लोगों को याद रखना है, रटना नहीं है कुछ, ठीक है, जहां तक समझ में आता है वहां तक देखना है और एक पैटर्न से समझ लेना है, बस उसी के बेस पर आप लोग क्वेश्चन सोल्व करके ले जाएंगे। रटने बैठेंगे तो फ्यूज उड़ जाएंगे सारे। तो इस तरीके से थोड़ा माइंड को थोड़ा सेट करने के बाद में थोड़ा देखिएगा कहाँ सही है कहाँ गलत है, कौन सा पैटर्न चलता हुआ नजर आ रहा है, तो उस तरीके से चीजों को समझ के चलिएगा। जिस तरीके से हम लोगों ने पार्लियामेंट डिस्कस किया, पार्लियामेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिस्कस की, अब हम लोग यहाँ पर स्टेट की देख लिया, हम लोगों ने स्टेट के बारे में डिस्कस कर लिया, तो आप लोगों का रिविजन भी हो गया और आप लोगों को थोड़ा सा नया पैटर्न भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है रिविजन के साथ साथ में कि स्टेट में क्या क्या चीजें होती है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को थोड़ा कनेक्ट करके चलेंगे तो अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। कनेक्टिंग लिंक आप लोग करके चलना होने वाले, कनेक्टिंग लिंक कर लेते हैं, तो कनेक्टिंग लिंक यही होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। देखिए अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और देखिए अगर चीजें पसंद आती है तो चीजों को शेयर भी कर दीजिए ताकि सबको फायदा हो जाए और ताकि लोगों को कुछ पैसे भी बच जाएं जो कि अपना कोचिंग वगैरह में पैसे फूंकते हैं जाकर, ओके। इसके अलावा आप लोग अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को और पानी को सेव कीजिए और पॉलिथीन प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज मत कीजिए, ओके। टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग को ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज, राज्यसभा और कई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर मिल जाती है। सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।